बेटा देख तो आ, बहू किचन में कब से का आ कर रही। यार मम्मी घर में काम ही क्या है, वही झाड़ू पोछा बर्तन खाना, उसके बाद तो भाभी को आराम ही करना है। कर लेंगी यार। जा जा देखे आता ना। यार भाभी कोई काम करवाना है क्या? हाँ दीदी यार, रोटी सिखवा लो। रोटी? उस यार भाभी बहुत गर्मी है यार, रोटी प्लीज आपसे, तो और कोई काम हो तो बता दो। हाँ पूरे दिन मोबाइल चलाते, तो आपको यूपीएससी क्लियर करना है। यार भाभी क्या ही बताऊं, ऐसी ननद है ना, पूरे दिन जानवरों की तरह मैं काम करूं और पूरे दिन ठूसने को मांगती रहती, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। और रोटी से कुआने को कभी मैं कह दूं तो मौत आ जाती है, मौत। कोई घर वालों ने मैनर्स नहीं सिखाए भाभी। लो बताओ, जैसे इनका पूरे दिन तो हाथ नहीं बंद रहता था। तो बताओ कैसे ससुराल वाले हैं आपके, कैसी जगह पे आओ कर दो तुमने अम्मा। अरे क्या होगा बिटिया, परेशान हो गए अपनी सास और ननन से, जीबू हराम करें। अरे बेटा सास और ननन तो होते ही हैं, बहू को जीबू हराम करेंगे, तुम ना चिंता ना करो। बेटा जित तो हमसे खाओ सो उतना ही करने, कछु ज्यादा करने नहीं है तुम्हें। हम कैसे तुम्हारी भाभी को दिन भर जीबू हराम करत, और जैसे ही लेकिन हमारो लड़का आओ सो कैसे हम सीधे बन जात, कि हमसे सीधे को है ही नहीं है। बस इतना ही तुम्हें करने, अपनी ननद और सास को जीबू हराम कर दो दिन भर, और जैसे ही दामाद जी आए सो बस बिल्कुल सीधो बन जाने। ठीक है बेटा, कब हूं लगे कि बात हाथ से निकल रही तो फट से चार असुआ ढड़का लियो। इतो तो कर ही ले हो, कछु ना सीख पाओ तुमने हमसे। इतो तो हम कर ही ले हैं, कहीं शादी से पहले करूं नहीं है का। और बिटिया देख लो, अबे हम जिंदा है, कौन हो बात की कछु जरूरत पड़े तो फटाक से हमें फोन घुमा लियो। हाओ ठीक अम्मा। अरे आ गई दीदी आप? और ठीक है, बढ़िया हूँ भाभी मैं तो। और सुनिए, हाय हेलो से काम नहीं चलेगा, चाय नाश्ता का इंतजाम करिए, एक महीने बाद ससुराल से आई हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब आप भी तो ससुराल वाली हो गई हैं, पता चलता होगा कैसा होता है ससुराल का रहना। लीजिए दीदी। हाँ हाँ अब इधर आ गई है तो आराम कीजिए, ससुराल में तो वैसे भी हाथ नहीं बंद रहता होगा। कहाँ भाभी, काम की तो कोई चिंता नहीं है भाभी, किसी को बताए ना तो एक बात बताओ, अम्मा ने पूरी लिस्ट बना के दी है 15 दिन की, कौन सी बीमारी कौन से दिन होनी है, और बचे 15 दिन तो 10 दिन मैं इधर आ जाती हूँ, उसमें भी बचे 4 से 5 दिन तो उसमें अम्मा खुद ही फोन करके बोल देती है कि हमारी लाडली तो बहुत नाजुक है, कोई काम ना करवाना। भाभी, बहू। ओ बहू कहाँ है हम? हम आए मम्मी जी तुम्हारी। अगर अम्मा को पता चल गया कि मैंने भाभी को बता दिया तो? बेटा क्या होगा, देखो तो भाभी के हमारे लाने वो सारो और फैल गा हो। काम चल निकल ले इधर से। अम्मा मैं ना ससुराल जा रही हूँ, आप ना भाभी का ख्याल रखना। अरे बिटिया अबे कहाँ जा बता, भाभी बीमार हो गई, तनख माओ हाथ बटवाई हो। अरे नहीं नहीं अम्मा, सासू माँ को काम होगा। अरे सुनो तो, काम चोरी करवा लो ये मोड़ी से। अरे सब होगा बहू, आ गो तो मैं होश। मम्मी जी हमें लगता है कि हमें गजनी वाली बीमारी हो गई, दिन में हम सब ही भूल जाते हैं और रात में हमें याद आ जाता है। हमसे चतुर बन रही थी, अब पड़ गई खुद की चाल खुदाई पे भारी। हाँ मम्मी जी। बिना मम्मी जी आ गई अपने मायके से, 4 महीना ना टिकती, हम 1 साल में 4 दिन खिलाने जाते। जो कह रहे थे लल्ली आउन वाली है अपने ससुराल से बहुत दिन बाद। बहुत दिनों बाद? हाँ हाँ पूरे 52 मिनट और 55 सेकंड के बाद। तुम जाओ तनक जाके काला जामन बना लो, और जो का सबका कालो कालो पहने। बहू आप सगुन फैला थे ना, जाओ जाके बदल लो। जी जी मम्मी जी। मम्मी कितनी देर लगाती हो, कितनी गर्मी है बाहर, जो करना है जल्दी करो। अरे बिटिया पानी उतार ले दो, न जलना लग जाए। जो का बहू काली बिंदी काली चूड़ी फिर कालू सामान, अब कालू सामान हमें देखना ना चाहिए, घर को सारो सामान बाहर फेंक दो। छोड़ो ना मम्मी, देखो ना भाभी कहाँ ले जा रही है मुझे। अरे ऐसे कैसे दीदी, मम्मी जी ने बोला है घर का सारा काला सामान बाहर फेंकना है। बहू सुनो तनक चाय बना दो, चाय छोड़ो।
छोड़ो, तुम जो बताओ जो तुम्हारे घर वाले ने कैसो सामान दो। मम्मी जी मैंने तो बोला ही था पापा से अगर दहेज में कुछ पैसे की कमी पड़े तो मेरी एक किडनी निकाल के भेज देना, पर पापा माने ही नहीं। मम्मी जी वो पापा ने अपने हिसाब से सब अच्छा ही दिया था। मम्मी जी फिकर नॉट, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। बहू आ, बहू इतना चक्कर से आ गए, इतना दर्द सो है। आइए मम्मी जी देखिए मैंने सब बदल दिया। मम्मी जी ये देखिए नया घर, नई टीवी, नई एसी, नया बेड। हाँ बेटा बहुत अच्छो है, बहुत मुलायम है, ऐसी बहू भगवान सब कह दे। और मम्मी जी आपके लिए नया फोन जिससे आपको पता चले कि दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। ओ मम्मी जी ज्यादा प्रेशर मत डालिए, दर्द होगा। बहू जो का दर्द हो रहा हो जो का। मम्मी जी अब अच्छा सामान चाहिए था तो मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने एक आपकी किडनी निकलवा दी। सारा सामान आप ही के लिए, आपके घर के लिए। मैंने बस अपने लिए लिया है तो एक स्मार्ट वॉच। मम्मी जी आगे से कोई भी सामान में दिक्कत हो मेरे घर की तो आप मुझे बताइएगा, आपके पास अभी एक किडनी और है ना। ए भगवान कौन से बुरे कर्म करे थे हमने जो ऐसी बहू मिली हमें। आ, आ।